पहले कुंती पारा देने के लिए। हे भाइयों मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अज्ञान रहो। तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे तो गूंगी मूर्तियों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे। हाँ, मसीह में ऐसे नहीं चलना है बोल रहे। जब तुम गूंगी मूर्तियों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे, जैसे बताया जाता था वैसे करते थे, आंख मूंद कर, बिना किसी तर्क के, बिना किसी तर्क वितर्क के। तो ये बोल रहा है कि तुम अब से ऐसे मत चलो। यही मनुष्य की कमजोरी है कि जब देखता है कि व्यक्ति व्यक्तियों से प्रभावित हो जाते हैं, जब देखता है व्यक्ति कुछ बोल रहा है, भविष्यवाणी कर रहा है, कुछ बातें सही हो जाती है, तो बाकी बातों के विषय भी लोग अंधों के समान फॉलो करने लगते हैं। परिणाम क्या होता है? मैंने बहुतों की जिंदगी देखी, परिणाम क्या होता है? उनका आत्मिक जीवन ठंडा हो जाता है, ट्रेक आउट हो जाते हैं, मिस्ट्रेक हो जाते हैं। ये होता है, इसीलिए पवित्र आत्मा नहीं चाहते कि आप मिस्ट्रेक हो। पवित्र आत्मा नहीं चाहते कि आप बेचैन हो जाए, आप बिल्कुल ठंडे हो जाए, भ्रम में पड़ जाए, ये पवित्र आत्मा नहीं चाहते। इसीलिए एक काम करें, मैं इसकी सलाह सबको देता हूं, आपको भी बता रहा हूं। ये जो पांच प्रकार की सेवकाइयां हैं, ध्यान से सुनिए, इफिसी 4:11 में लिखा है, उसने कितनों को प्रेरित नियुक्त करके, कितनों को भविष्यता नियुक्त करके, कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, कितनों को रखवाले उपदेशक करके दे दिया, ताकि पवित्र लोग सिद्ध किए जाएं, सेवा का काम किया जाए, मसीह की देह उन्नति पाए। याद रखिए, जब आप प्रेरितों का 20 अध्याय पढ़ेंगे, वहां पर पौलुस ने पास्टर्स लोगों का कॉन्फ्रेंस बुलाया, वो पास्टर कॉन्फ्रेंस था बाइबल में, प्रेरितों का 20 अध्याय में। वहां पर पास्टरों को बोला गया, एक अंग्रेजी शब्द ओवरसियर, ओवरसियर मैंने झुंड पर निगाह रखने वाले, तो मैंने खुद की सेवकाई से और सीनियर लोग की सेवकाई से मैंने जाना कि एक झुंड में, ध्यान दीजिए, झुंड में विश्वासी भेड़ों के रूप में होते हैं और पास्टर चरवाहे के रूप में होते हैं। तो एक भेड़ की सही रखवाली, सही सुधि केवल पास्टर ही रख सकता है, क्योंकि ये वरदान है, ये परमेश्वर की ओर से ठहरा गया है। जो बाकी जो वरदान के लोग हैं, प्रेरित हैं, भविष्यता है, सुसमाचार सुनाने वाले हैं, शिक्षक, खासकर ये लोग पास्टर के साथ मिलकर कलीसिया की जरूरत के अनुसार वो बातें करते हैं, और जो बातें की जाती है, आपका कर्तव्य है भेड़ के रूप में कि आप उन बातों को ध्यान से सुने, और जहां भी आपको डाउट लगता है, अंधों के समान मत पीछे जाएं, आप अपने पास्टर के साथ बातचीत करें, अपने पास्टर से उन बातों को पूछें, क्योंकि परमेश्वर उनको प्रकाशन देंगे। क्योंकि एक कलीसिया की डिजाइन जो है वो उसके अगवे को बताई जाती है, कलीसिया की डिजाइन अगवे को बताई जाती है। कलीसिया में जो भेड़े रहती हैं उनकी वास्तव में क्या आवश्यकता है, ये सारी चीजें परमेश्वर अगुओं पर प्रकट करता है। कलीसिया की क्या आवश्यकता है, कलीसिया को कैसे होना चाहिए, कलीसिया को कैसे आगे बढ़ना चाहिए, ये सारी चीजें पास्टर पर परमेश्वर व्यक्त करते हैं। बाकी जो वरदान में इस्तेमाल होते हैं वो सहायक के तौर पर काम करते हैं, सहायक के तौर पर। कई सारे उदाहरण आए इसे कि लोगों ने जो भविष्यवाणी प्राप्त की, देखो भविष्यवाणी एक ग्लैमर का विषय है, वैभव का विषय है, तो साधारणतः लोग भविष्यता के ऊपर अट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन भविष्यता लोग उतना ही बोलते हैं जितना परमेश्वर का आत्मा उनके अलाउ करता है। ऐसा नहीं है कि वो स्वर्ग से उतरे हैं और उनके पास सब बातों का उत्तर है, ऐसा नहीं है कि वो स्वर्ग से उतरे उनके पास सब बातों का उत्तर नहीं, जितना पवित्र आत्मा उन पर प्रकट करता उतना बोलते हैं, तो ऐसी स्थिति में अपने अगुओं को छोड़कर, अपनी कलीसिया को छोड़कर इस प्रकार के लोगों का पीछा करने वाले लोग, वो हमेशा मिस्ट्रेक हो जाते हैं, उनका आत्मिक जीवन ठंडा हो जाता है, आत्मिक जीवन में बहुत सारे कंफ्यूजन आ जाते हैं। परमेश्वर ने कलीसिया को बनाया और कलीसिया में अगुओं को रखा है, एज ए पास्टर फॉरनेशन अगुओ को रखा है। परमेश्वर जब कलीसिया को बनाया तो मैं बार बार इस चीज को बोलता हूं कि मुझे और आपको परमेश्वर ने अंधकार से बाहर निकाला,
संसार से बाहर निकाला, संसार की सड़ाहट से बाहर निकाला और मुझे और आपको अपनी देह में शामिल किया। और देह क्या है? वो कलीसिया है, वो सार्वभौमिक देह है। लेकिन परमेश्वर हमें आत्मिक उन्नति पाने के लिए एक स्थानीय कलीसिया में जोड़ता है। आपको क्या करना है? उस कलीसिया में बने रहकर मैंने चार चीजें हमें ऐसा सिखाई है। पहली चीज, आप अपने अगुवे के लिए, जो आपका पास्टर है, लीडर है, आप अपने अगुवे के लिए सबसे पहली चीज आप प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। क्योंकि एक कलीसिया के पास एक दर्शन होता है, अगुवे के द्वारा उस दर्शन की व्याख्या की जाती है, क्योंकि दर्शन सबसे पहले अगुवे को दिया जाता है। उसी दर्शन के आधार पर एक अगुवा जो है वो लोगों तक संदेश पहुंचाता है। जो लोग विश्वास करते हैं वो उस दर्शन से जुड़ते हैं। वो दर्शन परमेश्वर का है और वो उसने अगुवे को दिया है। उस दर्शन से लोग जुड़ते हैं और जब लोग उस दर्शन से जुड़ते हैं तो लोग दर्शन में बने रहें, दर्शन में आगे बढ़ें, दर्शन में उन्नति करें। इसके लिए सबसे जरूरी चीज है कि वो अगुवे के अधीन रहें। तो मैंने चार चीजें सिखाई है। सबसे पहले कि आप अपने अगुवे के लिए प्रार्थना करें, आप अपने अगुवे के लिए प्रार्थना करें। दूसरी चीज, आप अपने अगुवे के लिए इसलिए प्रार्थना करें, पहली चीज बोला कि शैतान के टारगेट में वो रहता है, शैतान का टारगेट अगुवे पर होता है, अगुवे पर। इसलिए कलीसिया में जो शारीरिक लोग होते हैं, शारीरिक सोच के लोग होते हैं, ये अधिकतर ये शारीरिक सोच के लोग अगुवे के खिलाफ खड़े होते हैं, बिना सोचे समझे नुक्ताचीनी करने के लिए, उनकी गलतियों को पकड़ने के लिए। अगुवा भी एक मनुष्य है, उसे गलतियां हो सकती हैं, उसे बात की जा सकती है, लेकिन उसका विरोध करना उचित नहीं है, उसके खिलाफ बातें करना उचित नहीं है, उसके खिलाफ में जाना उचित नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर का ठहरा हुआ अगुवा है। गलतियां हो सकती हैं, हो सकती है उसके जीवन से गलतियां, वो परफेक्ट व्यक्ति नहीं है, वो मनुष्यों में से। लेकिन परमेश्वर का जो वचन बोलता है वो ये है कि आपको अपने अगुवे के लिए प्रार्थना करनी है, क्योंकि शैतान के टारगेट में वो रहता है शैतान के टारगेट में। दूसरी चीज, आप अपने अगुवे को आर्थिक मदद करें, अपना दशमांश, अपनी भेंट, जो दान जो आप देते हैं वो आप अगुवे के लिए दें। क्यों? क्योंकि अगुवे के ऊपर बहुत जिम्मेदारियां होती हैं, उसे अपना अपनी जीविका चलानी है, अपने परिवार चलाना है, और इसे परमेश्वर ने दशमांश को उसकी जीविका के रूप में रखा है, इसे और कहीं नहीं देना चाहिए। कई लोगों का जीवन मैंने देखा कि वो जब किसी दूसरे से प्रभावित होते हैं तो अपना सारा दशमांश उधर देना शुरू करते हैं। मैंने कई सारे केसेस देखे, फिर वो अपने अगुवे को नहीं देते, फिर हो सकता कुछ समय बाद उधर ठंडा हो जाता उनका जीवन, क्योंकि ठोकर लगती, क्योंकि वास्तव में सही ट्रैक में नहीं चल रहे हो। जब ऐसी स्थिति में होती है तो वो उनका विश्वास जो है दशमांश देने से उड़ जाता है और ये अपनी ब्लेसिंग को खो देते हैं, इस प्रकार के लोग। इसलिए जब जो आपका अगुवा है परमेश्वर ने ठहरा है कि जो स्थानीय कलीसिया, स्थानीय कलीसिया अगुवा जो है वो दशमांश का हकदार है, उसका दशमांश कहीं और मत दीजिए। आपको किसी और की सहायता करनी है बिल्कुल कीजिए, लेकिन वो आपके लिए प्रार्थना करता है, वो आपके सुख दुख में। पत्रस ने सिखाया पांचवें अध्याय में, आप सही ढंग से बढ़ेंगे परमेश्वर आपको सही रीति से बढ़ाएगा, अगर अगुवे का विरोध करेंगे, अगुवे के खिलाफ आप जाएंगे, फंस जाएंगे। क्योंकि दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। आपको आपके अगुवे में कमी दिखाई दे सकती है, लेकिन आपको जो बाहर से आने वाले मेहमान जो भविष्यवक्ता के रूप में आते हैं उन पर उनकी कमियां आपको दिखाई नहीं देती। क्यों दिखाई नहीं देती? क्योंकि आप उसको नहीं जानते। तो इसलिए उस पर मोहित हो जाना, अपने अगुवे को छोड़कर, अपनी कलीसिया को छोड़कर दूसरों के पीछे जाना, ऐसा करके बहुत लोग मिस्ट्रेक हो गए। क्योंकि परमेश्वर ने अगर आपको किसी कलीसिया में ज्वाइन किया है तो एक मकसद के तहत ज्वाइन किया है, यूं ही नहीं है, यूं ही आपको नहीं किया गया, आप एक मकसद के तहत आपको कलीसिया में ज्वाइन किया गया है। इसलिए अगुवे के लिए प्रार्थना करें, अगुवे की आर्थिक मदद करें, अगुवे के अधीन रहें, उसकी आज्ञा माने और अगुवे के साथ मिलकर आप सेवकाई करें। जब इस प्रकार से आप करेंगे एक कलीसिया में रहकर, आप जरूर उन्नति और आशीष को पाएंगे, जरूर उन्नति आशीष को पाएंगे। तो यहां पर मैं जिस विषय को निकाला था वो था पहला कुंती 12 अध्याय में, और यहां पर बोलता है कि आपको अंधा अनुकरण करने की आवश्यकता नहीं। यहां पर लिखा कि हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अज्ञान रहो, क्योंकि तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे तो गूंगी मूर्तों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे, जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे, है ना।
फिर अगला पद क्या महत्वपूर्ण है? हाँ, इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है, जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है, वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है। वो नहीं कहता कि यीशु श्रापित है। वो जो लेडी थी वो अन्य भाषा बोलती थी और यीशु को श्रापित ठहराती थी। तो यहाँ पर पौलुस उसी को डिफाइन कर रहा है, कह रहा है कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वो नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता कि यीशु प्रभु है। और उसके बाद फिर हम देखते हैं वरदानों की व्याख्या की गई। मैंने जो सीखा अपने जीवन में, मैं ईमानदारी से लोगों को यही सिखाना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि लोग मेरे कब्जे में रहें, मैं चाहता हूं कि लोग पवित्र आत्मा के कब्जे में रहें। ये मेरी कोशिश है, ये मेरी प्रार्थना, ये मेरी मेहनत है, और अंत तक मैं यही मेहनत करता रहूंगा कि मैं लोगों को अपने पीछे आने के लिए नहीं कहूंगा अंधों के समान, लेकिन मैं चाहूंगा कि लोग पवित्र आत्मा को जाने। इसलिए मेरी सेवकाई में ये चीज है कि मैं पवित्र आत्मा के बहुत प्रचार करता हूं, पवित्र आत्मा की प्रैक्टिकल चीजों के बारे में बहुत प्रचार करता हूं। क्यों? मैं चाहता हूं हर एक विश्वासी आत्मा से भरे, क्योंकि आज आप यहां हैं, हो सकता है पवित्र आत्मा आपको यहां से किसी और जगह ले जाए। तो यदि आप पवित्र आत्मा से भरे नहीं हैं, तो परमेश्वर आपको इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि नए नियम की जो सेवकाई है वो आत्मा की सेवकाई है, वो बुद्धि की सेवकाई नहीं है, वो रिटन वर्ड की सेवकाई नहीं है, जो लिखा गया उसकी सेवकाई नहीं है जैसे पुराने नियम था, लेकिन ये आत्मा की सेवकाई है। पौलुस क्या कहता है, मैं दो स्थल को दिखाना चाहता हूं, फिर अंत करना चाहता हूं। दूसरा ग्रंथी 3:5-6 पद को पहले पढ़ें, फिर पहला ग्रंथी का दूसरा अध्याय हम पढ़ेंगे। दूसरा ग्रंथी तीसरा अध्याय 5-6 पद। ये नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं। वो कहता है ये नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं कि अपनी ओर से निकली बात का विचार कर सके, अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। कहता हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया। जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य किया, शब्द के सेवक नहीं है, वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। यहाँ पर हम देखते, पुराने नियम की सेवा शब्द की सेवा थी, नए नियम की सेवा आत्मा की सेवा है। इसीलिए आप जितना भी पढ़ लो, थियोलॉजी जितना भी कर लो, लेकिन अगर घुटनों का जीवन आपके पास नहीं है, प्रार्थना का जीवन नहीं है, पवित्र आत्मा से सुनने का जीवन नहीं है, तो आप कभी भी सेवकाई में सक्सेस नहीं हो सकते, क्योंकि नए नियम की सेवकाई आत्मा की सेवकाई है। सोल विनिंग बिना पवित्र आत्मा के नहीं होता, बिना पवित्र आत्मा की अगुवाई के आप सोल विनिंग नहीं कर सकते, ये बहुत ही जरूरी है। वरदान बिना पवित्र आत्मा के वरदान व्यवहार नहीं होते, और इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, मैं यही सिखाता हूं कि आप पवित्र आत्मा के साथ अपने संबंध को ठीक बनाइए, प्रभु के साथ अपने रिश्ते को ठीक बनाइए, वचन के अनुसार अपने रिश्ते को ठीक बनाइए, वचन के अनुसार, क्योंकि वचन आपको भटकने से बचाता है। पवित्र आत्मा के वरदान आपको प्रभावशाली बनाते हैं, लेकिन वचन आपको भटकने से बचाता है। अब एक वचन और पढ़िए, पहला कौन से दूसरा अध्याय में जाएं, और 1-4 पद तक पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ, अपनी सेवकाई के बारे में पौलुस खुद बता रहा है, अपनी सेवकाई वो कैसे करता था इसके बारे में बता रहे हैं। हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का वचन सुनाता हूँ तुम्हारे पास आया, तो शब्द या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया। वो कहता शब्द या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानो। मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा। निर्बलता और भय के साथ बहुत थरथराते हुए तुम्हारे साथ रहा। और मेरे वचन और मेरे प्रचार कहता मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं परंतु आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण था। आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण था। क्यों? इसलिए
इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर के सामर्थ्य पर निर्भर हो। परमेश्वर के सामर्थ्य पर क्या हो? निर्भर हो। अगले पद को पढ़ लेंगे। फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सिखाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं, नहीं है, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान, परमेश्वर का गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया, जिसे इस संसार के हाकिमों में से, संसार के हाकिमों से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजो में प्रभु को क्रूस पर प्रभु को क्रूस पर नहीं चढ़ाते। नए नियम की सेवकाई पवित्रात्मक सेवकाई है, और मैं हमेशा मैंने लोगों से कहा, फिर कहना चाहता हूँ, यदि यहाँ पर मैं किसी भविष्यवक्ता को आमंत्रित करता हूँ, बुलाता हूँ, तो इसलिए कि आप इनकरेज हो, विश्वासी इनकरेज हो, चैलेंज लें। यदि एक भविष्यवक्ता यहाँ पर खड़े होकर भविष्यवाणी कर सकता तो आप क्यों नहीं कर सकते? इसलिए मैं सिखाता हूँ, पीछा यीशु से करो, सीखो लोगों से, लेकिन पीछा यीशु से करो। लेकिन जब आप अपने अगुवे को छोड़कर, अपनी कलीसिया को छोड़कर जब किसी और व्यक्ति के पीछे चले जाते हो, ये आपके लिए बहुत नुकसानदेह होता है, ये आपके लिए बहुत नुकसानदेह होता है। आप मिस्ट्रेक हो जाते हो, आप दर्शन से अलग हो जाते हो, भटकना होता है, आत्मा का ठंडा होना था। इसलिए अपनी कलीसिया से जुड़े रहें, अपने अगुवे से जुड़े रहें, उसका आदर करें, उसका सम्मान करें, उसके साथ साथ आप आगे बढ़ें, पवित्र आत्मा से भरते जाएं। आइए हम लोग प्रार्थना करें। दयालु सामर्थ्य प्रभु जी, फिर से एक बार हम आपके पवित्र पाक सामर्थ्य चरणों में आते हैं धन्यवाद के साथ प्रभु जी। हाँ प्रभु, क्योंकि आप अपने बच्चों को उत्तम पदार्थों से तृप्त करते हैं, और आपका वचन कहता है पवित्र आत्मा सबसे उत्तम चीज है जिसे एक मनुष्य पाने का प्रयत्न करे, मांगे। हाँ प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता कि आप अपने बच्चों को पवित्र आत्मा का गाढ़ा अभिषेक दीजिए, क्योंकि पवित्र आत्मा के अभिषेक में बुद्धि है, पवित्र आत्मा के अभिषेक में युक्ति है, पवित्र आत्मा के अभिषेक में पराक्रम है। प्रभु जी, पवित्र आत्मा के अभिषेक में एक व्यक्ति परमेश्वर का भय सही रीति से मानना सीखता है। प्रभु जी, पवित्र आत्मा के अभिषेक प्रभु जी एक व्यक्ति को प्रभु जी आत्मा और जीव के अंतर को सिखाता है प्रभु जी, क्योंकि पवित्र आत्मा का अभिषेक एक व्यक्ति को प्रभु जी पवित्र शास्त्र की ओर ले जाता है, पवित्र वचन की ओर ले जाता है, और वचन के द्वारा प्रभु जी उसके जीवन में पाए जाने वाले हर एक मेरे पिता कंफ्यूजन को तोड़ के नष्ट करता है, और जो कुछ आत्मा के द्वारा नहीं हो उसे नष्ट करता है। सो होने दें खुदा यीशु के नाम से कलीसिया पर, और जितने भाई बहन आज इस चीज को देख रहे हैं, आने वाले समय देखेंगे, सबके जीवन के लिए मैं यीशु के नाम से आशीष बोलता हूं, आशीष को बोलता हूं। प्रभु जी आप दया करें, करुणा करें, अनुग्रह करें, क्योंकि हम में से हर एक को आपने अनुग्रह दिया है प्रभु, छोटी सी जिंदगी हमारी पते, और आपने अनुग्रह दिया है, और आपका अनुग्रह महान है। आपके अनुग्रह को पहचान कर, आपके अनुग्रह में बने रहकर, आपके अनुग्रह में चलने के लिए आप हमें सहारे की सहायता करें। भटकाने वाली, निराश करने वाली, अति उत्साहित करने वाली, कलीसिया से अलग करने वाली, पवित्र आत्मा से दूर करने वाली, पवित्र आत्मा को छोड़कर, प्रभु को छोड़कर मनुष्यों पर दृष्टि लगाने वाली सारी सामर्थ को यीशु के नाम में बांधते हैं पिता। मनुष्य असिद्ध है प्रभु जी, मनुष्य भटका सकता है, मनुष्य अपूर्ण है प्रभु जी, उसके पीछे जाने वाले एक वक्त पर निराशा को पा सकते हैं, लेकिन आपका पीछा करने वाला व्यक्ति कभी भी निराशा को नहीं पाता। आपका पीछा करने वाला व्यक्ति कभी भी खुदा उसमें अपने जीवन में परमेश्वर पिता प्रभु जी कभी भी वो अपने जीवन में भटकाव को नहीं देखेगा। प्रभु जी चाहे वो अंधकार में चले तो भी ज्योति प्रकट होगी। मैं आपका धन्यवाद देता, मैं आपकी प्रशंसा करता, मैं आपकी स्तुति करता। जितने लोग प्रभु जी आज देखते हैं उन सबके जीवन को आशीष दें, करुणा करें, अनुग्रह करें, कृपा करें। परमेश्वर आप एक जवान के बारे में मुझे दिखा रहे हैं, वो जवान है खुदा उसमें जवान भाई है, आप पर विश्वास करता है और वो आत्मा बढ़ना चाहता है। यीशु के नाम से मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूँ। बड़ी उत्सुकता से वह पिता इस प्रभु जी इस मेरे परमेश्वर इस प्रचार को देख रहे पिता। मैं यीशु के नाम से उस जवान के लिए मैं आशीष की घोषणा करना चाहता हूँ।
मैं पवित्र आत्मा के एक गाढ़े गहरे अभिषेक की घोषणा करना चाहता हूँ। वह जवान प्रभु जी पवित्र आत्मा के द्वारा वचन के भेदों को समझना चाहता है, वो सेवकाई में मजबूत होना चाहता है, दृढ़ और मजबूत विश्वासी जीवन को प्राप्त करना चाहता है। मैं यीशु के नाम से उस जवान को आशीष देता हूँ। हाँ प्रभु जी मैं उस जवान को आशीष देता हूँ। हाँ पिता, हाँ करुणा में परमेश्वर उसे आशीषित करें। प्रभु आपकी करुणा सब बातों में है। धन्यवाद देते हैं कि आज बाइबल अध्ययन में आपने मैं आशीषित किया। प्रभु जी मेरे परमेश्वर इसी रीति समय संभाले पिता, और आपका अनुग्रह हमारे साथ हो पिता। आने वाले रविवार को प्रभु जी जो परसों हो पिता, आप हमें अनुग्रहित करें ताकि हम एक साथ इकट्ठे होकर आपके नाम को ऊंचा उठाएं। सारी महिमा सारा आदर हम आपको देते हैं, धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ इस विनती को उद्धारकर्ता यीशु मसीह के बेटे नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रेमी प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति और सुभागता हमें सहरे के साथ हर एक हमारे विश्वासी भाई बहनों के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा होते रहे, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।